दोस्तों, प्राचीन जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत भूमि को जड़ी बूटी की भूमि कहा जाता है। जितनी भी दिव्य वनस्पति है, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी है, वो भारत भूमि में आपको प्राप्त होंगे। हमारे हाथ में रखी हुई इस जड़ी को देख लीजिए। जिस प्रकार भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा जाता है, उसी प्रकार इस जड़ी को शंकर जटा के नाम से जाना जाता है। और ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इस जड़ी को जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है। ये जो शंकर जटा है, ये दुर्लभ जंगलों में पाई जाती है, घने जंगलों में पाई जाती है, और इसे कई जगह हत्था जोड़ी के नाम से जानते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अत्यधिक पाई जाती है। तो आज जो है, आप अपना कम से कम 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। जब इसके फायदे जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई साधारण पौधा नहीं है और इसे प्राप्त करने के लिए तड़प उठोगे। संजीवनी बूटी से भी बहुत ही ज्यादा ये पावरफुल, ये जो जड़ी है, ये स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप कही गई है। दोस्तों, ये जड़ भगवान शंकर की जटा से उत्पन्न हुई है। भगवान शंकर की जटा जब धरती पर गिरी तो जटा से इस पौधे का निर्माण हुआ, इसलिए इसे शंकर जटा के नाम से जानते हैं। इसमें अनेक प्रकार की चमत्कारिक एवं दैविक शक्ति पाई जाती है। ये चमत्कारिक एवं दैविक शक्ति से भरी हुई है। दोस्तों, इसकी तुलना बेल के पौधे से किया जाता है। जिस प्रकार बेल की जड़ में अनेक प्रकार की दैविक शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार ये बेल की जड़ से भी ज्यादा उत्तम कही गई है। इसके अंदर में अनेक प्रकार के चमत्कारिक एवं दिव्य शक्तियां पाई गई है। तो इस वीडियो को आपको एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ओम नमः शिवाय जरूर लिखना है। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी से इसका कोई चमत्कारिक एवं दिव्य प्रयोग को बता दूं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। अगर आप इस वीडियो को आज छोड़ करके जाएंगे तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप जमीन में घड़े हुए धन को, अनेक प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सरसों के तेल में अगर इसे पका करके आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो हमने बहुत सारे आदिवासी लोगों से बात की, बहुत से लोग लकवा की बीमारी ठीक करने के लिए इसका प्रयोग आज भी करते हैं। तो सरसों में इसे पका करके अगर इसकी मालिश की जाए हाथ पैरों पर, अगर आप अपने मालिश करते हैं, किसी को लकवा हो गया है तो सरसों के तेल में इसे पकवा दीजिए, इसे पीस करके पकवा दीजिए और हाथ में मालिश करने के लिए बोलिए। अगर हाथ का लकवा है तो हाथ के लकवा आप देखेंगे। चमत्कारिक तरीके से इसके कुछ दिनों के प्रयोग से बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएंगे और पहले जैसा हाथ फिर चलना शुरू हो जाएगा, अर्थात हाथ काम करना बंद कर चुका है, शरीर के किसी अंग में लकवा मार गया है, काम नहीं कर पा रहे, वह धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर किसी को सिर दर्द की शिकायत बनी रहती है, अधिकांश जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके सिर में दर्द होता है, जो लोग ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, ऐसे लोगों को अत्यधिक सिर दर्द होता है, जिसे हम अधगापारी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके 2 बूंद रस पानी में घिस करके नाक में, अगर इसका 2 बूंद डाली जाए, अर्थात इसका नकसीर किया जाए, नाक में इसके 2 बूंद डाला जाए, तो भयंकर से भयंकर सिर के दर्द तथा अधगा पारी की होने वाली पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों, ये पौधा घर में लगाने से ग्रह कलेश को दूर करता है। ये पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाता है। ये घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को पूरे घर में फैला देता है। ये पौधा लगाने से जैसे जैसे आकार बढ़ता है, वैसे वैसे आपके घर में तेजी से धन आना शुरू होता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की प्रश्न रहेगा कि क्या इसे कोई भी व्यक्ति घर में लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ही, इस पौधे को कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। और कब लगाएं, तो इसे बुधवार या फिर सोमवार के दिन लगाना होता है। दोस्तों, और किस दिशा की तरफ मुख करके लगाए तो वो भी जान लीजिए। इसे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके लगाना होता है। इसे दिन में लगाएं या शाम में, तो अगर आप इसे शाम के समय में लगाते हैं तो ज्यादा फलकारी रहेंगे। क्या मनी प्लांट या फिर कोई और अन्य पौधे उसके साथ में इसे लगा सकते हैं? तो बिल्कुल ही, अगर आपके पास में कोई और अन्य पौधे हैं तो उनके साथ में गमले में आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों,
चलिए मैं आप लोगों को इसके दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा, जो कि आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना। दोस्तों, इसकी जड़ के नीचे अगर दीपक जलाया जाए, 3 महीने तक नित्य तो गुप्त धन और घड़े धन की प्राप्ति होती है। इसके नाम और भी विभिन्न प्रकार के कहे गए हैं। हम इसे शंकर जटा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे शिव जटा के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे हत्था झड़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हाथ के आकार की इसकी झड़ी होती है, इसलिए कई जगह हत्था झड़ी के नाम से जानते हैं। क्या इसे हम ताबीज में पहन सकते हैं? बिल्कुल ही, आप इसे ताबीज में डाल करके पहन सकते हैं। ताबीज में अगर आप इसे डाल करके पहनते हैं तो आपको अनगिनत चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को। दोस्तों, ये कोई साधारण जड़ नहीं, भगवान शंकर की स्वयं जटा है, इसीलिए इसका नाम शंकर जटा पड़ा है। शंकर जटा को घिसकर तिलक लगाने से आज्ञ चक्र जागृत होता है एवं मन स्थिर रहता है। दोस्तों, तबीज में डाल करके पहनने से शनि राहु केतु तथा ग्रहों की विपरीत प्रभाव समाप्त होता है। अगर आपके जीवन में कोई ग्रह आपको बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जीवन में जो परेशानी आ रही है, जीवन में आपके जो तकलीफ आ रही है, जीवन में आपके जो कष्ट आ रहे हैं, उस कष्ट को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसके जड़ को कोई सा भी ताबीज में डाल करके पहनिए, 100% आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों, ग्रहों के कारण आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपके जीवन में जो पीड़ा है, राहु केतु के कारण आपकी प्रगति रुक चुकी है, वह प्रगति फिर से घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगी। और हां, आपकी जीवन में जो कष्ट अभी चल रहा है, इसके पहनने के बाद आप देखना वो कष्ट दूर हो जाएंगे। ये जड़ पूजा रूम में अगर आप रखते हैं, बहुत से लोग अपने घर में पूजा रूम बना करके रखते हैं, या फिर आपके घर में मंदिर है तो बहुत ही सुंदर है, अगर आप इसे अपने पूजा रूम में रखते हैं या घर के मंदिर कक्ष में रखते हैं, तो यह लक्ष्मी को बांधने का काम करती है। चाह करके भी लक्ष्मी आपके घर का त्याग नहीं कर सकती। दोस्तों, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अर्थात आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बंध जाएंगी। दोस्तों, कहा जाता है कि शंकर जटा को सरसों के तेल में पका करके हाथ में मलने से हाथ के दर्द एवं लकवा जैसी भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसके जड़ को घिसकर के नित्य 6 महीने तक तिलक करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा, 6 महीने तक इसका तिलक करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसका नित्य 4 मास तक तिलक लगाए तो जमीन में दबा धन देखने की सिद्धि आ जाती है। दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें जमीन में देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाए, चाहे किसी भी स्थान की जमीन में दबे हुए धन को अपनी बिल्कुल ही नग्न आंखों से देख लें, तो ऐसे व्यक्ति 4 महीने तक इसका तिलक लगाए जमीन में दबा हुआ धन देखने की सिद्धि आ जाएगी। ये भी कहा जाता है कि नित्य 4 महीने तक अगर इसका अपने मस्तक पर तिलक करेंगे तो 7 पाताल के अंदर जमीन में दबे धन आप अपनी नग्न आंखों से इसके माध्यम से देख पाएंगे। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसके 1 वर्ष के तिलक से दूर दृष्टि गोचर की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूर दृष्टि का मतलब होता है कि आप दूर की चीजों को अपनी आंखों से देख पाएंगे, अर्थात आप अपने नेत्रों को बंद करेंगे, ध्यान के माध्यम से दूर की वस्तु को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए प्राचीन समय के सिद्ध लोग इसका बहुत उपयोग करते थे।